नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पारसर और आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सॉफ्ट दानेदार और एकदम खिली खिली सी बेसन की बर्फी। बिल्कुल राजस्थानी तरीके से बताऊँगी और बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम सॉफ्ट बर्फी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर बना के देखिए। जब भी आपको मंदिर जाना हो, प्रसाद के लिए आप मिठाई बाज़ार से मंगाते हैं, तब आप घर पर इसे आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन की चक्की बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम 1 कटोरी बेसन को पहले छान लेते हैं। एक कटोरी बेसन हमने छान लिया, अब 1 कटोरी बेसन और छानेंगे। तो देखिए, 2 कटोरी बेसन हमने छान लिया है। बेसन को आप छान के ही लीजिए, तभी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बेसन को हमने छान लिया और अब हमने 1.25 कटोरी करीब हमने घी लिया है, यानी 1 कटोरी जो पूरा भरा रहता है उससे थोड़ा सा ये खाली है, इतना पूरा घी लिया है। घी थोड़ा पिघला हुआ ही रह लीजिए, थोड़ा पिघला रहे। और अब इसमें 3 टेबल स्पून करीब हम ये घी डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। घी को हमने अच्छे से मिला लिया, अब इसमें 3 टेबल स्पून करीब हम दूध डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे, हल्के हाथों से मिलाना है। दूध डालने से बेसन की जो बर्फी है ना, ये एकदम दानेदार बनेगी। इसमें जो बेसन है, इसमें रवे जैसा थोड़ा दाना दाना सा खिला हुआ बनेगा। और इसे इकट्ठा करके ऐसे रख देंगे, 15 मिनट के लिए करीब इसे ढक के हम रख देंगे इसे। तो देखिए, 15 मिनट हो गए, इसे ढक के रख दिया था और अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, दाने दाने से हो गए, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे हमें क्या करना है, छानना है। एक बार इसे फिर से छान लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं पहले दोनों हाथ से। तो देखिए, दोनों हाथों से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया और अच्छे से इसे मल लिया था दोनों हाथों से मिला के। और अब इसे हम फिर से एक बार छानेंगे। गेहूं के आटे को जो छाना था हमने, बेसन को जो छाना था, जो चलनी होती है गेहूं के आटे की, उससे थोड़ी सी मोटे, मतलब थोड़ा सा बड़े छेद वाली छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए, थोड़ी बड़े छेद वाली छन्नी से मैंने इसे छान लिया है, इस तरीके से छान लेंगे तो ये रवेदार जो है दानेदार बेसन हो जाता है। ये जो तरीका है, ये दानेदार बेसन हो जाता है। और बेसन जो है हमने बिल्कुल बारीक वाला ही लिया था। लास्ट में जो ये मोटा मोटा सा बचे, इसे हाथ से और मैश कर लीजिए और फिर से छान लीजिए इसे अच्छे से। तो देखिए, इस तरीके से बेसन जो है बिल्कुल दानेदार बन गया है।
इससे जो बर्फ़ी बनेगी वो एकदम दानेदार, सॉफ्ट, खिली खिली सी बनेगी, ये देखिए। और अब हम इसे घी में भूनेंगे। तो गैस पर चढ़ा दिए हमने कढ़ाई और इसमें डाल देंगे अब हम घी। पौन कटोरी करीब जो हमने घी लिया था वो डाल देंगे। और इसमें इस बेसन को डालेंगे। और इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। कढ़ाई हमारी जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई और अब हम इसे धीमी आंच में सेकेंगे। बिल्कुल फ्लेम लो कर दीजिए और एकदम जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए कलर और बेसन में एकदम खुशबू आने लगेगी, भुने हुए बेसन की एकदम खुशबू आने लगती है, जब तक इसे हमें भूनना है। और ये जो अभी एकदम थोड़ा सा टाइट है ये हल्का हो जाएगा, बेसन भूनते भूनते एकदम हल्का सा हो जाता है, तब तक इसे हमें भूनना है। तो देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, एकदम लो फ्लेम में मैंने भुना है और ये बेसन जो है घी छोड़ दिया है, देखिए एकदम हल्का हो गया। आप इसे चलाएंगे ना तो एकदम हल्का हल्का लगेगा, ये देखिए तो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। आप देख रहे हैं ना बेसन एकदम कैसा दिख रहा है, दानेदार सा। आधा कटोरी दूध लिया है हमने और इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा डाल के चलाएंगे पहले, छोड़ना नहीं है इसको, चलाते रहना है आपको। और बाकी की जो आधा कटोरी है इसे भी डाल देंगे। दूध डालने से इसमें बिल्कुल दाने दाने एकदम खिली हुई बर्फी बनेगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल हलवा जैसा हो गया है दूध डालने से। और अब हम इसे गैस से उतार लेंगे, उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और हम चाशनी बनाएंगे अब इसकी। तो देखिए अब बनाएंगे हम चाशनी। तो एक कटोरी भर के, जिस कटोरी से बेसन लिया था ना उसी से एक कटोरी भर के हमें शक्कर लेना है और आधा कटोरी पानी डाल देंगे इसमें, आधा कटोरी करीब। और इसे चलाते रहना है जब तक ये चाशनी वाले उसमें स्टेज में ना आ जाए। तो देखिए चाशनी हमारी तैयार होने वाली है और इसमें थोड़ा सा एक पिंच डालना है फूड कलर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने घोल दिया है। साथ में एक छोटा चम्मच इलायची है, इसे कूट लिया था, हरी इलायची को, 5-6 इलायची थी जिसे मैंने कूट लिया है। तो चाशनी हमारी तैयार है और हम देख लेते हैं। एक तार की चाशनी हमको बनाना है, एक तार की चाशनी बन गई है और इस गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इस चाशनी को धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और इसे पूरा अच्छे से पहले मिला लेंगे, उसके बाद गैस पे चढ़ाएंगे। पहले मत चढ़ाइए, पहले इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब जो बाकी की चाशनी बची थी उसे भी डाल देते हैं पूरा। और अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा गैस पे चढ़ाएंगे। तो
तो देखिए लो फ्लेम में मैंने 2-3 मिनट इसे अच्छे से चला लिया है और ये देखिए कैसे डो की फॉर्म में आ गया है, जैसे हलवा होता है ना बिल्कुल वैसे हो गया है। इसे बस आप क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और थाली में मैंने घी लगा लिया है उसको उसमें डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है ये अच्छे से और ये जम जाएगा, जमने वाली कंसिस्टेंसी में है ये। ये देखिए गैस को कर देते हैं बंद और इसे जमा देते हैं थाली में। थाली में लगा लिया हमने देखी घी और इसी थाली में हम जमाएंगे। तो थाली में डाल दिया है हमने और अब देखिए इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं, अभी इसी समय गर्म है तो ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, मैं बादाम के कतरन डाल रही हूँ। आप इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, चिरौंजी दाना डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और इसे दबा दीजिए अच्छे से, इससे इसमें सेट हो जाएगा। अब मैं इसे रात भर छोड़ दूंगी तो आराम से सुबह तक ये बहुत अच्छे से जम जाएगा। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर ही अच्छे से ये जम जाएगा। तो देखिए रात भर मैंने रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही आराम से कट जाती है और सबसे बड़ी बात ये कि ज़्यादा टाइट नहीं होती है ये और बिल्कुल सॉफ्ट एकदम दानेदार होती है, मुंह में जाते ही खुल जाती है ये। तो मैं इसे चौकोर सा टुकड़ा ऐसे चौकोर पीस में काट लेती हूँ। काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है। आप किसी भी त्यौहार में इस मिठाई को बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से फटाफट तैयार हो जाती है। ये देखिए जब भी कोई त्यौहार है, कुछ आपका मन हो मीठा खाने का, तब आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और 2 पीस मैंने निकाल लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कि कितने आसानी से ये निकल रही है। ये देखिए आप टेक्सचर देखिए, अलग ही दिख रहा है ना, दाना दाना सा। ये पास से देखिए आप, बहुत ही अच्छी बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।